नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जिसकी जड़ें मिट्टी में तो होती ही है, साथ में वो पानी में भी वो जड़ें बना लेती है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दोस्तों कि मिट्टी में होने के साथ साथ उसके जो ब्रांच होते हैं उसके ऊपर भी रूट्स जड़ें निकल आती हैं, जिससे लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी छोटे से गमले में हम उसको ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ 12 ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिसकी जड़ें मिट्टी में तो होती ही है, साथ में वो ब्रांच उसके ब्रांच में भी जड़ें बन जाती हैं और वो बहुत ही आसानी से बारिश के दिनों में दिख जाती है, जिसे बारिश के दिनों में लगाना बहुत आसान होता है। चाहे उसे हैंगिंग बास्केट में लटकाइए या फिर पॉट्स में, छोटे छोटे पॉट्स में भी लग जाते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए दोस्तों, 12 प्लांट्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जिसकी जड़ें मिट्टी में होते हुए भी उसके ब्रांच में रहती हैं और हवा में लटकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, उनके ऊपर देखिए इस तरह के रूट्स निकलते हैं ब्रांच में। इसके ब्रांच मिट्टी में तो होती ही है, साथ में इसके ब्रांच में भी कोई भी वैरायटी हो उसके ब्रांच में इस तरह के रूट्स निकलने लगते हैं। और इसके रूट्स इतने ज़्यादा निकलते हैं कि इसको कहीं भी हम लगा दें तो वो बहुत आसानी से लग तो जाता है, पूरे का वहाँ के एरिया को ये छाप लेता है अपने इस प्लांट से। और ग्रीन ग्रीन सा लुक देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही आसानी से ये लगने वाला प्लांट है। तो जहाँ से रूट्स निकलते हैं, जहाँ से इसके ब्रांच में रूट्स निकलते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में बहुत ही आसानी से ये दिखते हैं। वैसे तो मनी प्लांट में बहुत बड़े बड़े से रूट्स होते हैं, लेकिन ये अभी बरसात में बहुत ज़्यादा छाप लेते हैं। तो इस तरह के रूट्स निकाल के कहीं भी हम मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ पर ये बहुत सारे ढेर सारे प्लांट बना देते हैं। और तो दोस्तों, ये पानी में भी बहुत आसानी से लगने वाले प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों, ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और इजीली लगने वाला है। और इसके ऊपर भी देखिए इस तरह के रूट्स निकलते हैं, इस तरह के रनल्स निकलते हैं और रनल्स में ये प्लांट बनते हैं जिसमें इसके जड़ें होती हैं। और ये जड़ें ही अगर हम तोड़ के मिट्टी में लगा देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर जड़ें दिख रही हैं इसके, और ये जड़े को कहीं भी मिट्टी में लगा देंगे धीरे से तो ये लग जाता है, वहाँ से मल्टीप्लाई करके ढेरों सारे प्लांट बन जाता है। और हैंगिंग बास्केट का ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और तीसरा प्लांट है दोस्तों हमारा, ये लालसा का प्लांट। लालसा का प्लांट में बहुत छोटे छोटे होते हैं, पत्तियाँ होती हैं और इसके जो रूट्स होते हैं वो अदर सीजन में नहीं दिखते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में बहुत ही छोटे छोटे इसके रूट्स निकलते हैं, जो कि हम इसको तोड़ के अगर बीच से देखिए, बीच से भी मिट्टी में हम दबा दें तो इसके छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वहाँ से नए सारे प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहीं से हम अगर मिट्टी में हम दबा देते हैं, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं उसे कटिंग से तो नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ जो छोटे से इसके रूट्स निकलते हैं वहाँ से हम लगा देते हैं तो ये ढेरों सारे प्लांट बन जाता है। और ये हैंगिंग बास्केट का बहुत ही प्यारा प्लांट है। हरे हरे पौधों के बीच में ये हरे हरे पौधों के बीच में ये रेड कलर का जो प्लांट होता है देखने में खूबसूरती बहुत ही देता है। और चाहे इसे हैंगिंग में लगाइए या फिर छोटे से छोटे डिब्बे, पॉट्स, बोतल किसी में भी लगा दीजिए, खूबसूरती में ये बहुत ही आगे रहता है। और इस तरह दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट जिस तरह नाम है इसका, जैसे कि पर्पल हार्ट नाम भी बहुत खूबसूरत है, उसी तरह ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है कलर में भी और ये लगाने में भी। तो ये बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। इसके भी रूट्स हवा में लटकते रहते हैं, जब ये जो ब्रांच है वो लंबे लंबे हो जाते हैं तो इसमें से छोटे छोटे से रूट्स दिखने लगते हैं, जड़ें दिखने लगती है और वहाँ से हम कट करके लगा देते हैं तो वैसे तो ये कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन यहाँ से देखिए ये छोटे छोटे से रूट्स दिख रहे हैं तो वहाँ से हम तोड़ के अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो यहाँ से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं, बेबी प्लांट भी इसमें से निकलते हैं। और इसमें बेबी पिंक कलर के फूल भी रहते हैं जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसमें मेरा नहीं खिला हुआ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है बेबी कलर के प्लांट में फूल। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये है वोट लिली। वोट लिली का प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत है और ये लंबे लंबे ब्रांच हो जाते हैं। वैसे देखिए इसके नीचे से बेबी प्लांट निकल रहे हैं और ऊपर से इसके जो तना है, जो ब्रांच है, उसमें रूट्स निकले हुए हैं। तो इसको तोड़ के हम वहाँ से तोड़ के हटा के और मिट्टी में लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो पीछे साइड में डार्क पर्पल होती है और ऊपर में ग्रीन ग्रीन सा, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। अगला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा
मैक्सिमम पिटूनिया, ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत पिटूनिया है जिसको कटिंग से तो लगा ही सकते हैं, इसमें बेबी प्लांट में निकलते हैं और जब ये पूरा घना हो जाता है दोस्तों तो इसके ऊपर से रूट्स निकल जाते हैं, इसके ब्रांच में थोड़े मोटे हो जाते हैं इसके ब्रांच और उसके ऊपर इसके रूट्स निकलते हैं। देखिए यहाँ पर ये रूट्स तैयार हो रहे हैं, यहाँ से तोड़ के हम इस तरह, यहाँ रूट्स है और यहाँ से तोड़ के जब हम लगा देंगे मिट्टी में दबा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे चाहे आप इसके रूट्स से लगाएं या फिर कटिंग से लगाएं या फिर इसमें बेबी प्लांट बहुत सारे निकलते रहते हैं तो बेबी प्लांट से भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये गर्मियों का ही पिटूनिया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। और इसे चाहे तो आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर इसको पॉट्स में, दोनों में बहुत ही आसानी से चल जाता है और छोटे से छोटे पॉट्स में भी लग जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है, ये भी कटिंग करके लगाया है इससे और इसमें सब लग गया है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट, सिंगोनियम का प्लांट ये देखिए मैंने इसके रूट से ही इसमें अपने हैंगिंग बास्केट में लगाया है। इसका मदर प्लांट बहुत अलग है और इसमें देखिए ऊपर ये इसके रूट्स निकले हैं, तो इसके रूट्स को भी हम निकाल के ब्रांच में इसके रूट्स निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं। और ये एक मनी प्लांट की वैरायटी का ही है, पोथोज वैरायटी के, जो कि ये भी एक बेल वाले होते हैं, इसकी भी लटकन होती है और यहाँ से हम तोड़ के लगा देते हैं, उसके जो लटकन में होते हैं बहुत सारे रूट्स निकलते हैं और उन रूट्स को निकाल के हम मिट्टी में दबा देते हैं तो ये नए प्लांट बना लेता है और इसमें से बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं। और ये कहीं भी चढ़ाइए आप इसको, किसी भी हैंगिंग बास्केट में या फिर स्टिक वगैरह में चढ़ा देते हैं तो ये हमारा बहुत ही घना हो जाता है और इसमें से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट भी मनी प्लांट की वैरायटी ही है जिससे कि इसमें भी बेबी प्लांट निकलते हैं और इसके भी देखिए यहाँ पर हवा में लटक रही है इसकी रूटें और जड़ें। और ये बहुत, अभी मैंने ये प्लांट कुछ दिन पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया था, मतलब 2-3 महीना हुआ और देखिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है और इसको यहाँ से हम तोड़ के मिट्टी में दबा देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट बन जाता है। बेबी प्लांट तो निकलते ही हैं, साथ में ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, तो इसकी भी रूटें हवा में लटकती रहती है, ब्रांच में इसके रूट्स जड़ें निकलती रहती हैं जिससे लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसकी पत्तियों का जो शेप होता है दोस्तों देखने में बहुत खूबसूरत होता है और इसका नाम भी बहुत खूबसूरत है, ब्रोकन हार्ट। और इस तरह कट कट करके इसकी पत्तियाँ होती हैं और देखिए ये पीले पत्तियाँ जो हो गई हैं वो उसको हटा देते हैं और नीचे से यहाँ से ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, तो इस तरह ये बहुत ही घना हो जाता है प्लांट। और ये भी एक बेल वाले प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो इसको भी हम अभी लगा सकते हैं, बारिश के दिनों में तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है, कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा पान का पत्ता, पान की पत्तियाँ मेरी जो गर्मी आई थी ना उसमें बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो ये पत्तियाँ अब देखिए कितने हरे हरे से हो गए हैं, ये बिल्कुल मर गया था लेकिन इसमें देखिए यहाँ से रूट्स निकल रहे हैं, ये भी हवा में अगर ये ज़्यादा लंबा हुआ रहता अब तक तो इसमें ढेर सारे रूट्स और जड़ें निकल आई रहती, लेकिन ये मेरा छोटा प्लांट ही है देखिए और इसमें से भी ऐसे ये इसकी जड़ें हैं और यहाँ से हम तोड़ देते हैं, ये देखिए मैंने तोड़ लिया और इसको मिट्टी में ऐसे ही दबा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो ये मेरा छोटा प्लांट है इसलिए मैं इसको अभी छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, इसके जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया इसको तोड़ के कैसे इसको लगा सकते हैं, यहाँ के से इसकी जड़ें निकली हुई है तो, और ये बहुत ही पूजा पाठ में इसको यूज किया जाता है। एक प्लांट मैंने देखिए इसको रूट से ही मैंने यहाँ ग्रो किया है, बहुत ही छोटा है और इसको एक स्टिक पर मैंने चढ़ा दिया है मॉस स्टिक में और इस पर ये चढ़ जाएगा तो ये घना हो जाएगा बहुत भूसी, और किसी भी पूजा पाठ में पान के पत्तियों का बहुत ही उपयोग होता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू, वांडरिंग जू की पत्तियाँ देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और चमकदार होती है और ये हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही प्यारा लगता है और इसमें भी जो जड़ें होती है वो हवा में लटकती है, ऊपर इसके ब्रांच में दिखते रहते हैं, ये देखिए कई सारे इसके ब्रांच में रूट्स दिखते रहते हैं, जड़ें दिखती रहती हैं जिससे कि हम इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और यहाँ जड़ जहाँ निकली हुई है उससे भी हम कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट्स की खासियत है दोस्तों कि इसको अगर हम मिट्टी में फेंक भी देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से लग जाती है क्योंकि इसके हर ब्रांच में जड़ें निकली होती हैं, तो जहाँ से जड़ें निकली रहती हैं वहाँ से ऐसे तोड़ के हम लगा देते हैं या फिर मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और ढेरों सारे प्लांट बहुत ही घना बन जाता है। इतनी चमकीली इसकी पत्तियाँ होती है, 2-3 कलर में होती है, नीचे डार्क पर्पल ऊपर से हल्के ग्रीन और रेड के शेप में होती है जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये गोमफ्रेना का प्लांट, इसके फूल बहुत ही मुझे पसंद है और ऐसे तो ये एक
बेबी प्लांट निकलते रहते हैं इसमें और इसके बीज से तैयार होते हैं, लेकिन जब ये प्लांट थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसके ऊपर में भी जड़ निकलने लगती है। तो ये कुछ मेरे प्लांट्स जो है वो लंबे हो गए हैं देखिए, और लंबे होने के साथ यहाँ से देखिए इसकी जड़ें निकल रही हैं। तो ये प्लांट में जड़ें निकलती हैं लेकिन लंबा होने के बाद ही, तो इस तरह से अगर हम तोड़ के उसको लगा देते हैं तो ये भी प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है बारिश के दिनों में। वैसे तो ये बीज से भी लगता है और कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन इसमें भी थोड़े कम ही रूट निकलते हैं लेकिन निकलते ज़रूर हैं। इसके जो फूल होते हैं ना वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके बहुत सारे कलर आते हैं। तो देखिए जहाँ से रूट्स निकलती हैं वहाँ से कई सारे ब्रांच भी निकल आते हैं, और वहाँ से कट करके लगा देंगे तो ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये लंबे लंबे हो गए हैं और इसमें से भी रूट्स निकल आए हैं। यहाँ पर बीज देखिए, बीज से भी मैं इस तरह से तोड़ के इसको स्प्रिंकल कर देते हैं तो वहाँ से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। और लास्ट दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ ये टर्टल हार्ट जो प्लांट होता है, वो ग्रीन ग्रीन सा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, आँखों को बहुत सुकून देता है। और ये जब पूरा कवर, अभी मैंने ये हाल में ही लगाया है, वैसे तो इसके बहुत सारे प्लांट मेरे पास है लेकिन देखिए इस तरह से लंबे लंबे ब्रांच निकलते हैं हैंगिंग बास्केट में, और इसके हर ब्रांच के 1-2 इंच पर ही इसके रूट्स निकले रहते हैं जो कि आसानी से लग जाते हैं। और इसको कहीं भी, इसकी भी खासियत है दोस्तों कि इसको हम कहीं भी मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है, और एक से कई सारे प्लांट, बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये सारे जो प्लांट है वो इसकी जड़ें होती है ऊपर ब्रांच के ऊपर या हवा में लटकती हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोग के साथ 12 ऐसे प्लांट शेयर किए जिसकी जड़ें ऊपर रहती हैं और वो बहुत ही आसानी से लग जाती है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इस तरह दोस्तों आप भी ऐसे प्लांट्स लगाइए, और हैंगिंग बास्केट का ये सारे प्लांट बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी कम जगह है तो आप उसको लटका कर और कम स्पेस में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो।